हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके एन जीएस का मिशन 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें हम एयरफोर्स वायुसेना कोस्ट गार्ड डीवीजीडी यांत्रिकी और इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एक एग्जाम के लिए है ना क्वेश्चन करने वाला है। देखिए, अब तक हमने 1 से 8 तक मॉक टेस्ट कर लिया है ना। 1 से 1000 प्लस क्वेश्चन का पार्ट 1 से पार्ट 1 तक वीडियो कर लिया है, लेकिन हमने अभी तक रिवीजन नहीं किया। तो आज लिए उन सब आज के लिए केवल और केवल रिवीजन का क्लास रहेगा, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। उन 8 जितने भी मतलब मॉक टेस्ट किया है, उन सब में से है ना, उसी क्वेश्चन में से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब का रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और हाँ, इसमें भी आप सेट लगाइए, जिसका जितना मार्क्स आता है वो आप जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कितने मतलब कैसे हो रही है, ठीक है। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है, ये हमने पहले वीडियो में देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सबको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 1 से 8 तक जितना भी वीडियो बना है उन सब में है ना ये सब क्वेश्चन है, उन सब में ये सब क्वेश्चन है। तो इसको ज्यादा लंबा ना कर, मतलब ये वीडियो जो है बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि केवल केवल और केवल रिविजन के दृष्टि से इसको कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा पहला पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय क्या है। तो क्या है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो क्या है, हमारा जेनेवा में है ना, जेनेवा में है। और ये कब बना था है ना, ये कब बना था ये हमने बता चुका है, मतलब ये हमने बता दिया आपको, ये आप कमेंट में बताइएगा कि ये कब बना था है ना, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जेनेवा कब बना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए, चावल का कटोरा कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, आंध्र प्रदेश जो है इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, और चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और धान का कटोरा जो होता है ये छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, लेकिन चावल का कटोरा बोलेगा तो ये बोलेंगे आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो थे हमारे कौन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनामाइट का आविष्कारक निम्न में से कौन है। डायनामाइट का जो आविष्कारक है, यानी डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। ये जो डायनामाइट होता है एक विस्फोटक पदार्थ है ना, एक विस्फोटक पदार्थ है, और इसका आविष्कार जो किया था वो किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ, अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। और हाँ, जिसका जितना ही मार्क्स आए, इसमें भी अपसेट लगेगा, जिसका जितना मार्क्स आया कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था, यानी आजाद हिंद जो फौज है उसकी स्थापना कब हुआ था। ये हुआ था हमारा 1952 में, सॉरी 1942 में हुआ था है ना, 1942 में। लेकिन किया था किसने, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था आजाद हिंद फौज की स्थापना, है ना। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। फिजिक्स से क्वेश्चन है कि समतल द्वारा जो समतल दर्पण द्वारा यानी जो प्लेन मिरर है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रति है ना, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, छवि बनती है, तो वो कैसी बनती है, ये बनती है सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड डीवीजीडी यांत्रिकी का फॉर्म अप्लाई किया, उनके लिए हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, जो आपको पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 सेट है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने इसको कर लिया है ना, अगर आप इस मॉक टेस्ट को कर लेते हैं, तो आपकी 90% तैयारी, यानी 90% एग्जाम की तैयारी जो हो जाएगी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पे आधारित ही बनाया है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है। इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। जो स्पर्श रेखा है ये किस खेल से संबंधित है, ये जो है हमारा कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, कबड्डी है ना। स्पर्श रेखा आप देखे होंगे, जब कबड्डी खेला जाता है तो एक टीम और दो टीम है ना, ये दोनों टीम क्या होता है, इनके बीच में एक रेखा होता है, इसको ही मतलब इसको टच करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इस स्पर्श रेखा का संबंध है कबड्डी से, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितनी। ये सब हमने पहले वीडियो में बता चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो 1 से 8 तक अगर हमारा
वीडियो का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जहां पे साइंस और जीके जीएस दोनों के लिए वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिए अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या है 89, यानी 89 अंतरिक्ष, मतलब अंतरिक्ष में तारामंडल उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि लोहे में जो जंग लगता है, लोहे में जंग लगना एक कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है बताइए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रासायनिक प्रक्रिया है ना, रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना है कौन सी प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है और भौतिक प्रक्रिया क्या होती है ये आप जान लीजिए। देखिए रासायनिक प्रक्रिया वैसा होगा, वैसे वस्तु मतलब जो अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाए, है ना, वे वस्तु या वे पदार्थ जो अपनी अवस्था पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए उसे क्या, जैसे मान लीजिए जल हो गया, है ना, जल हो गया। जल क्या होता है, ज्यादा ठंडा किया जाता है तो बर्फ हो जाता है। तो बर्फ क्या होगा, ठोस हो गया ना। अब ठोस को जब हम पिघलाएंगे तो क्या होगा, पिघलाएंगे तो पानी में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि ये पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस आ गया। यानी जल से जल था, फिर ठोस हुआ, ठोस से फिर ही अपनी पुनः अवस्था में क्या आ गया, जल आ गया, जल में आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, ये भौतिक राशि हुआ, है ना, भौतिक राशि हुआ। और रासायनिक जो अपनी अवस्था परिवर्तन, मतलब एक बार जब ये बदल जाए तो फिर अपनी पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आता है। जैसे दूध हो गया, दूध से जब हम दही बनाते हैं तो दही क्या है, दही जब बनता है तो दही से हम दूध नहीं बना सकते। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे किसके कहने का मतलब है, अपनी वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु जो एक बार अपने रूप परिवर्तन करने के बाद पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे जैसे क्या हुआ आपका, जैसे में हो गया दूध से दही बनना, तो दूध से दही तो बन जाएगा लेकिन दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। और भौतिक परिवर्तन क्या हुआ आपका, कि पानी से बर्फ बना, है ना, पानी से ये बर्फ बन गया और बर्फ से जो बर्फ को जब पिघलाएंगे तो ये फिर पानी बन जाएगा, यानी जल बन जाएगा। इस प्रकार से ये पुनः अपनी उसी अवस्था में वापस आ गया, तो आ गया, तो ये क्या हुआ, भौतिक राशि, ठीक है, या भौतिक परिवर्तन हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये जितने भी वीडियो हैं जो भी हम करवा रहे हैं ये सब ये हमने मॉक टेस्ट में जो किया है ना, 1 से 8 पार्ट तक जो वीडियो में किया वो उसी का सारा क्वेश्चन है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप वहां से देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप ही रिविजन क्लास को लगाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस तुल्यकारी, मतलब किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, ये होती है आपकी 36,000 किलोमीटर, यानी 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे, रेलवे, भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान कौन सा है, यानी भारत का जो रेलवे लाइन है इसका विश्व में स्थान कौन सा है, ये जो है चौथा स्थान यानी फोर्थ स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, फोर्थ स्थान पर है भारतीय रेलवे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, पित्त कहाँ से स्रवित हो, जो पित्त होता है ये कहाँ से स्रवित होता है, ये जो होता है हमारे यकृत से होता है, है ना, यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, यकृत से, और जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में, है ना, पित्ताशय में जमा होता है और स्रावित होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि किलोबाइट, है ना, एक एक किलोबाइट में, एक केबी में कितने बाइट होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक किलोबाइट में या एक केबी में कितने होते हैं, 224 बाइट होते हैं, ठीक है, 224 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए अजंता, एलोरा, है ना, एलिफेंटा, ये सब जितने भी गुफाएं हैं ये सब है कहाँ, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने 2 दिन पहले ही क्वेश्चन किया था, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा 2.42, है ना, 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 में भारत में जब गदर किया था, मतलब गदर जब हुआ था, है ना, तो या 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ, लॉर्ड कैनिंग। तो चलते हैं आगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता जो है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है कैंडेला का मात्रक होता है ये। और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ,
डायप्टर, यानी ये होता है डायप्टर है, डायप्टर जो होता है ये होता है हमारा क्या, लेंस की क्षमता का, है ना। और न्यूटन तो जानते ही है बल का होता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्योति तीव्रता का आंसर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, यानी जो मात्रक हैं उनको अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, ये हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, 1971। तो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अब इंटरनेट के पते पर, इंटरनेट के पते पर, पते में पद HTTP, है ना, HTTP का सही विस्तृत क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा कब, 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ, 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको फिर से रिवीजन किया, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, यानी भारत में पंचायती राज की अनुशंसा जो है किसने की थी, यह किया था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, कि द्वीप शिखा यानी जो द्वीप शिखा नामक पुस्तक है वो किसने लिखा, द्वीप शिखा जो पुस्तक है उसकी रचनाकार कौन है या उसकी रचना किसने किया था, तो ये किए थी महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, कि नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, यानी नार्वे जो है ना, नार्वे में अर्धरात्रि में, अर्ध आधी रात को सूर्य कब दिखाई देता है, किस डेट को दिखाई देता है, तो ये देता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, जून, 21 जून को नार्वे के अर्धरात्रि में सूर्य हमें दिखाई देता है। तो चलते हैं आज के, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी पाई जाती है, यानी जिस बच्चों में कुपोषण की, यानी जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं उनमें कौन, किस चीज की कमी होती है, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और प्रोटीन, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, कुपोषण के शिकार का मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है उनको क्या होगा, कुपोषण, वे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, यानी सबसे पतले हो जाएंगे, यानी बहुत पतले दुबले होते हैं कुपोषण के शिकार होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने जितने भी पहले मॉक टेस्ट किया है 1 से 8 तक, उन सबका रिवीजन किया है। ठीक है, और ये सब आपको याद ही होगा, और आप अपना जिसका जितना ही मार्क्स आएगा इस रिवीजन क्लास में, आप अपने कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमको ये पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस।